Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayyid Saad Qadri. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। एक सवाल जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है भाइयों की तरफ से भी और बहनों की तरफ से भी कि अगर किसी का शौहर या किसी की बीवी मुसलमान हो लेकिन इतनी ज्यादा गुनाहगार हो या इतना ज्यादा गुनाहगार शौहर हो कि उसे जहन्नम में जाना पड़े, तो और उसकी बीवी या अगर बीवी है तो उसका शौहर वो नेक हो और जन्नत में चले जाए, तो ऐसे मामले में फिर क्या हो? क्या उनका निकाह खत्म हो जाएगा, क्या वो किसी और को मिल जाएंगे, या क्या मामला? देखिए जी, जो बीवी जिस शौहर के निकाह में रहते हुए वफात पाएगी वही शौहर उसे जन्नत में जरूर मिलेगा। ठीक होगी बात। एक औरत के एक से जायद शौहर रहे हों और वो उन्हीं की जौजियत में इस तरह हो कि शौहर का इंतकाल हो गया और उसने फिर किसी और से शादी कर ली, फिर उसका इंतकाल हो गया, या किसी और से शादी की और उसी की जौजियत में इंतकाल हुआ उसका, तो फिर औरत के पास चॉइस होगी कि वो किस शौहर के साथ रहना चाहती। अगर एक औरत तलाक याफ्ता हो तो अब तलाक याफ्ता होने के बाद अब वो उसके निकाह में तो नहीं रही ना, तो चूंकि उसके निकाह में नहीं रही इसलिए जन्नत में उसको मिलेगी नहीं क्योंकि उसकी बीवी नहीं रही। तो अब ये मामला हो गया कि जब औरत किसी बंदे की ज़ौजियत में थी और उसी शौहर को मिलेगी, तो अगर शौहर जहन्नम में जाएगा तो याद रखो कोई मुसलमान मर्द हो या औरत, अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला के फजल से, हुजूर की शिफात से और दीगर सालेहीन की शिफात से जहन्नम से जन्नत में आ जाएगा। और अगर किसी वजह से जहन्नम में चला भी गया तो भी अपनी मुद्दत पूरी करके जितना भी वक्त जहन्नम में सर्व करना है उसके बाद वो जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो बहरहाल जो सूरत हो, बीवी को उसका वही शौहर मिल जाएगा जो उसका दुनिया में शौहर रहा, और शौहर को उसकी वो बीवी मिल जाएगी जो दुनिया में उसकी बीवी रही। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तफसील से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वॉट एवर इज़ द केस इवेंचुअली वो लोग मिल जाएंगे जन्नत में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।